प्लांट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे डिटरमिनेंट का या मैट्रिक्स का, वो सारा का सारा प्रॉपर्टीज बेस्ड होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट या प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज वन, ठीक है, बोल रहा है कि ए बी सी बी थ्री स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। तो ए बी अगर इक्वल्स टू ए सी है और ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो देन बी इक्वल्स टू सी प्रूव करना हम लोगों को। अब देखिए, तो देखते हैं कि सिंस ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, तो डेट इज क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या करते हैं कि प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बी, ए इनवर्स इंटू ए सी। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई, आई इंटू बी क्या हो जाएगा, बी, ये भी क्या हो जाएगा, आई इंटू सी, सी। आगे हमारा बी इक्वल्स टू सी, ये कहलाता है हमारा प्री कैंसिलेशन लॉ। क्योंकि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा तो ए एक एक्चुअली कटता नहीं है, कैंसिल इस काट नहीं सकते हम लोग, एक्चुअली ये आई बन जाता है ए इनवर्स मल्टीप्लाई करने से, देयरफॉर बी इक्वल्स टू सी, ये प्री कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर आपके पास बी ए इक्वल्स टू बी सी हो तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पर, बताइए जल्दी से। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या होगा, बी ए इक्वल्स टू बी सी है तो बी बी कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास अगर बी ए इक्वल्स टू सी ए रहेगा तो यहाँ ए ए कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, बी सी, बी इक्वल्स टू सी। जब यहाँ पर ए ए कैंसिल हो रहा है तो ये पोस्ट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है या राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। बोल रहे हैं कि इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू ए। अब देखिए, तो सिंस ए इज इन्वर्टिबल, अच्छा ए इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो इन्वर्टिबल है तो क्या सोच सकते हैं, जल्दी से बताइए। ये सोच सकते हैं कि दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो रहा होगा। ठीक है, एंड अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हम लोगों को पता है कि ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो तो ये आई हो जाता है। ठीक है, ये पता है। अब देखिए, एंड इफ़ ए बी इक्वल्स टू, अगर बी ए हो और ये इक्वल्स टू आई हो जाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं यहाँ पर कि ए इनवर्स इक्वल्स टू बी रहा होगा या फिर बी इनवर्स इक्वल्स टू ए रहा होगा। तो सिमिलरली देयरफॉर अगर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई हो रहा है, तो सिमिलरली इसका इनवर्स, दैट मीन्स ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, हो गया हमारा प्रूफ। तो देयरफॉर ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ए, हो गया प्रूफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं दूसरा, बोल रहा है कि इसी में दो पार्ट है, ठीक है, फिर बोल रहा है कि इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए डैश इज आल्सो इन्वर्टिबल। ए डैश भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, जहाँ ए डैश का इनवर्स ए इनवर्स के डैश के बराबर होगा। अच्छा, तो देखिए क्या करते हैं फिर, सिमिलरली बी नंबर के लिए देखिए, तो सिंस ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई। हम सबका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई का ट्रांसपोज। अब देखिए, फिर जब ये ट्रांसपोज बाहर आएगा तो हम लोगों को इतना पता है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, ओके, इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज,
ये फिर क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज और आई का ट्रांसपोज, तो आई ही होता है, हम लोगों को पता है कि आई डैश इक्वल्स टू आई ही होता है। अब देखिए देयरफॉर यहाँ क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि ए डैश का इन्वर्स यानी कि दैट मीन्स इसका इन्वर्स इसके बराबर होगा इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, और ठीक है बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरा लिख सकते थे कि हम लोग कि इसका जो ट्रांसपोज होगा इसके बराबर होगा, तो इससे हम लोगों को इतना मतलब नहीं है अभी फिलहाल, हम लोगों को ये देखना है कि प्रूफ जो करना है उसको देखना है कि ए डैश का इन्वर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स का डैश। तो याद रखना है हम लोगों को पहला यहाँ से सीखे कि अगर ए इन्वर्स का इन्वर्स रहेगा तो ये क्या बन जाएगा ए, एंड दूसरा ये सीखे कि ए इन्वर्स का अगर ट्रांसपोज रहेगा तो क्या हो जाएगा ए डैश का इन्वर्स, ठीक है। या इसी को उल्टा सोच सकते हैं कि ए डैश का इन्वर्स दैट मीन्स ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो देन ए इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अच्छा तब यहाँ पर देखिए, तो सिंस ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो रहा होगा, क्यों, क्योंकि इन्वर्टिबल है, एंड ए डैश इक्वल्स टू ए रहा होगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक है। अच्छा अब देखिए, तो सिंस हम लोगों को पता है अभी देखे थे कि ए डैश का जो इन्वर्स होगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होगा हम लोगों को दिखाना है कि ए इन्वर्स इज सिमेट्रिक दिखाना है ना। अच्छा ए इन्वर्स एक्चुअली इन्वर्स सिमेट्रिक दिखाना है, तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो अभी पढ़े हम लोग कि ए इन्वर्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स होगा, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ये क्या हो गया ए इन्वर्स, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है ना, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो देयरफॉर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आ गया ए इन्वर्स, है ना, तो दैट इज क्या हो जाएगा देयर दैट इज ए इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, है ना, इज ऑल्सो सिमेट्रिक, क्यों, क्योंकि ए हमारा क्या था सिमेट्रिक था, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, देखिएगा बोल रहे हैं कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिमिलर, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन बाय एन, ठीक है, यहाँ पर n क्या होगा odd, ठीक है, here n is odd, अच्छा n odd है। अब हम लोगों को दिखाना है कि every skew symmetric matrix of odd order is singular, ठीक है, यानी कि दिखाना है हम लोगों को अगर a skew symmetric है तो determinant of a equals to zero, ये प्रूव करना है टू प्रूव। अब देखते हैं तो क्या करते हैं कि सिंस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा जल्दी से बताइए, माइनस ए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो अब क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ए डैश है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा ना इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि माइनस पहले सारा के साथ सारा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा। देखिए कहना क्या चाह रहा है, जैसे अगर ये 3x3 ऑर्डर का है ए बी सी डी ई एफ जी एच के ऐसा बना होगा, तो जब माइनस ए गुना किए होंगे तो ये क्या हो गया होगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस जी माइनस एच माइनस के ऐसा हुआ होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए बनाए होंगे तो ये फिर क्या हो गया होगा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, फिर माइनस डी माइनस ई माइनस एफ फिर माइनस जी माइनस एच माइनस के ऐसा होगा।
अब देखिए इससे माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस वन का पावर थ्री हो जाएगा, फिर बचेगा क्या ए बी सी डी ई एफ, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। तो सिमिलरली अगर डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए है तो ये क्या हुआ होगा, माइनस वन टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ होगा, श्योर है। अब देखिए तो एन क्या है यहाँ पर, ऑड, तो माइनस वन का पावर ऑड माइनस ही रहा होगा, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, तो देयर फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा जीरो बाई टू जीरो, ठीक है। अब देखिए तो ए कैसा मैट्रिक्स था, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, किस ऑर्डर का, तो एन बाय एन ऑर्डर का, जहां पर एन ऑड था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया जीरो। तो याद रखेंगे कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर, दैट इज उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, मतलब दैट मीन्स प्रॉपर्टी फाइव है ये, ठीक है, बोल रहे हैं प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इज इन्वर्टिबल एंड ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ये हम लोगों को दिखाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करते हैं, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखते हैं सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों क्या रहा होगा नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, है ना, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेगा। अच्छा अब देखिए तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं बी इंटू बी, सॉरी ए है यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा हमारा ए, ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, अच्छा तो बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा आई, और ए इंटू आई क्या हो जाएगा ए, तो ए इंटू ए इनवर्स ये फिर क्या हो गया आई। फिर देखिए अगेन क्या करते हैं हम लोग, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी निकालते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी ऐसा हो जाएगा, फिर ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आई, फिर आई इंटू बी क्या हो जाएगा बी, तो ये क्या हो जाएगा बी इनवर्स बी, फिर बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा आई। अब यहाँ लिख सकते हैं कि देयर फोर ए बी, ठीक है, इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल्स टू आई, तो देयर फोर क्या रहा होगा ए बी का जो हमारा होल इनवर्स रहा होगा ये किसके बराबर रहा होगा हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हो गया प्रूफ। दैट मीन्स अब यहाँ से हम लोग एक सीखने को मिला कि ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। सारा प्रॉपर्टी को आप नोट करते जाइए और एक जगह लिखिए, सारा कुछ आसानी से समझ में आते चला जाएगा हम लोगों को। अब बोल रहा है कि ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो इस चीज़ को हम पहले भी बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। देखिए कैसे होता है ये, मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है, इसके प्रूफ की बात करते हैं हम, ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल, ओके, तो अगर ए इन्वर्टिबल है तो दैट इज क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, अच्छा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इंटू ऑफ ऑर्डर एन मान लेते हैं हम लोग फिलहाल यहाँ पर, ऑफ ऑर्डर एन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान रखिएगा, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई किस ऑर्डर का रहा होगा एन ऑर्डर का, तो कितना होगा वन जीरो जीरो डॉट डॉट कहाँ तक होगा टू एन टाइम्स, टू एन टर्म्स बोल सकते हैं, ठीक है।
सिमिलरली ये कहाँ तक रहा होगा, एन टर्म्स तक। यहाँ फिर ज़ीरो रहा होगा, फिर ये वन, फिर ज़ीरो ज़ीरो रहा होगा एन टर्म्स तक। सिमिलर फिर ज़ीरो ज़ीरो वन रहा होगा कहाँ तक, एन टर्म्स तक। सिमिलरली ये चलता रहा होगा, ठीक है, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। फिर ये इधर लास्ट में चलते चलते लास्ट में यहाँ पर क्या आया होगा, वन आया होगा। ऐसा रहा होगा हमारा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब देखते हैं, फिर अब देखिए तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर ज़ीरो ज़ीरो कहाँ तक जाएगा, ये भी n टर्म्स तक, ठीक है। फिर ज़ीरो, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर ज़ीरो, ये भी n टर्म्स तक। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, ये n टर्म्स तक। फिर इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसा रहा होगा। ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो देयर फोर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ज़ीरो 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 कहाँ तक, n टर्म्स तक, टू n टर्म्स, ठीक है। फिर ज़ीरो डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर ज़ीरो ज़ीरो, ये भी कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। ये जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ n मिलेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो लास्ट में क्या रहा होगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a रहा होगा। ओके ठीक है। अब देखिए फिर अब हम लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a होगा, इक्वल्स टू। अब देखिए सबसे डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन है तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n, यहाँ फिर क्या बचेगा, वन ज़ीरो n टर्म्स तक, फिर ये ज़ीरो वन, फिर ये n टर्म्स तक। सिमिलरली इधर भी चलेगा, फिर इधर भी चलेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, वन। यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, ऐसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं फिर, अब देखिए तो यहाँ से हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ i वन होता है, यहाँ क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टू द पावर n बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस वन। ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो याद रखेंगे कि अगर a n बाय n ऑर्डर का हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस वन। दिस अगर a 4x4 ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 3 होगा, ठीक है। अगर a 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का जो वैल्यू होगा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है कि a बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू चाहिए। अच्छा ठीक है, किसका वैल्यू चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a। देखिए तो हम लोगों को वैल्यू चाहिए एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू क्या होगा, ये दिखाना है कि इसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ का a का पावर n माइनस टू इंटू a। अच्छा देखते हैं, देखिए तो हम लोगों को पता है कि अगर इफ़ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a रहे, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a के जगह, ठीक है, देयरफॉर अगर a के जगह एडजॉइंट ऑफ a हो जाए, एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू i हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से फिर इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a अभी सीखे थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस वन, a अगर n बाय n ऑर्डर का रहा हो तो, सीखे थे, तो देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस वन इंटू आई, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि ए एन ऑर्डर का है, देखिए ऑफ ऑर्डर एन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ए एन बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें प्री मल्टीप्लाइंग करते हैं बाय ए, ठीक है। प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये बन जाएगा हमारा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा होगा, और इंटू फिर हो जाएगा ये एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अब देखिए प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो एक कांस्टेंट की तरह है, डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा ए इंटू आई, ठीक है। अब देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हम लोग को पता है इतना सा का वैल्यू, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ये पता है हम लोगों को। इसको लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, फिर इंटू कितना हो जाएगा ये एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा बन जाएगा इक्वल्स टू, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस वन, ए इंटू आई क्या हो जाएगा ए। अच्छा, फिर देखिए आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा। ये फिर देखिए तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस वन, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए का पावर वन है। अच्छा, अब देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू हो जाएगा तो ये पावर वन घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस टू इंटू ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू होता है क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस टू इंटू ए, ये याद रखना है हम लोगों को। अब देखिए, अब इसमें से अगर थोड़ा सोचें, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाए निकालने के लिए, याद रखिएगा यहाँ पर ए एन वाई एन ऑर्डर का है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो जिस वीडियो में कमेंट कीजिएगा उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको बता देंगे, ठीक है। आप कैसे बनाइएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले हुए हैं इसके, देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, जस्ट इसी पैटर्न से आपको इसको सॉल्व करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बोल रहे हैं कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू दिखाना है हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, सिंस अगर हम बात करते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, है ना। तो देयरफॉर सिमिलरली ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, AB into adjoint of AB किसके बराबर हो जाएगा, ये determinant of AB into I, ऐसा होगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको वन मान के रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, AB ध्यान दीजिएगा, AB into again, देखिएगा सर एक ही पैटर्न से बन रहा है हमारा, AB into एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये इक्वल्स टू, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए इंटू, ध्यान देखिएगा, ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए, फिर a इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ b क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू i, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, इंटू एडजॉइंट ऑफ a,
अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ए ये डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फिर देखिए ये ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए। अच्छा फिर देखिए तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इंटू आई। अब देखिए ये दोनों एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई, ठीक है, इसको टू मान लेते हैं। अब देखिए ये भी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए बी इंटू आई है, ये भी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा होगा, देख रहे हैं आप। अब देखिए तो दोनों में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, दोनों साइड क्या कर रहे हैं कि ए बी होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए बी का होल इनवर्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी का होल इनवर्स इंटू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए बी का होल इनवर्स इंटू ए बी इंटू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या बन जाएगा आपका आई, ये भी क्या हो जाएगा आई, आई इंटू मैट्रिक्स, तो दिस मैट्रिक्स हो जाता है, तो आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। फिर आई इंटू एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गया हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो हमारा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये याद रखना आप लोगों को। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, प्रूव करना है कि ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो दिखाना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, क्या करना चाहिए हम लोगों को, कैसे इसको बताना चाहिए हम लोगों को, जल्दी से बताइए क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो देखिए तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस, ध्यान दीजिएगा, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश होता है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखिए तो देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो अगर सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाल लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है, इनटू आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, अच्छा इक्वल्स टू, फिर क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये तो हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का ट्रांसपोज, आई का ट्रांसपोज तो आई ही होता है, तो यहाँ क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इतना तो हम लोगों को समझ में आ चुका है। अब देखिए तो फिर सिंस, अब हम लोगों को पता है कि सिंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रहे या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए रहे इक्वल से क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, इसको वन मान के रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देयरफॉर अगर यहाँ पर ए डैश इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डैश रखेंगे इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डैश इंटू ए डैश रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इंटू आई हो जाएगा, है ना। अब देखिए फिर तो
तो यहाँ से देखें अगर, तो ये ए डैस इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डैस इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का डैस, ठीक है, इंटू ए डैस। तो ए डैस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैस ए होता है, ऊपर देखे थे, ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है, प्रॉपर्टी में भी पढ़े हुए हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाएगा, इसको मान लेते हैं टू। अब देखिए फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, तो यहां से देखे, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल डैस इंटू ए डैस इक्वल्स टू, ये भी किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब देखिए तो यहां देखे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा ए डैस इसके पास है, एडजॉइंट ऑफ ए डैस इंटू आई है, ए डैस है ना, चूंकि ए डैस इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डैस, ठीक है, फिर ये एडजॉइंट ऑफ ए डैस इंटू ए डैस बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, इसको क्या लिख सकते हैं यहां से, एडजॉइंट ऑफ ए डैस इंटू ए डैस, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए फिर प्री मल्टीप्लाइंग बाय, प्री मल्टीप्लाइंग, या आप कैंसिलेशन लॉ भी लगा सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो जाएगा यहाँ पर, या फिर प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए डैस के इनवर्स से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई बन जाएगा, तो आई बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैस इक्वल से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डैस। तो एक प्रॉपर्टी आ जा रहा है यहाँ से कि देयरफॉर अगर एडजॉइंट ऑफ ए का भी होल डैस रहेगा तो हम लोग इसको एडजॉइंट ऑफ ए डैस लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होते चला जाएगा। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है, ए नहीं होगा यहाँ पर, तो ए सिमेट्रिक है, तो देयरफॉर ए डैश क्या होगा, ए। अब हम लोगों को दिखाना है कि एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक है, तो देखिए कि सिंस एडजॉइंट ऑफ ए का अगर होल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए का डैश, एडजॉइंट ऑफ ए का डैश, ए डैश ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का जो डैश आया ये किसके बराबर आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। एडजॉइंट जो लिखते हैं ना हम यहाँ पर ए डी जे लिखते हैं, याद रखिएगा, ये जल्दी में ये थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, ए डी जे लिखते हैं एडजॉइंट के लिए, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक करके पहले उसको सारे प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए, देखिए क्या क्या सीखे हैं, एक शुरू से देखिए उसको भी नोट्स बनाइए, फिर एक बार इसके प्रूफ को देखिए, फिर खुद से प्रूफ कीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। हाँ, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, वक्त दीजिएगा तो शायद लाइफ टाइम के लिए सीख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, चलिए तब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।